जगदीश चंद्र बोस अपने समय में इतने आविष्कार किए थे कि पूरी दुनिया चकरा गई थी और इनके द्वारा की गई खोजों का लोहा मानने लगी थी। ये बात है उस समय की जब देश में विज्ञान से संबंधित खोजें ना के बराबर होती थी। यही नहीं, रेडियो साइंस के फील्ड में दिए गए योगदान के कारण उन्हें रेडियो साइंस का पितामह व जनक भी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीत पक्की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल जीत पक्की पे लेकर आते हैं ऐसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियां जो आपको इंस्पायर करेंगी अपने जीवन में और अच्छा करने के लिए। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल जीत पक्की को ऐसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम जानेंगे कहानी रेडियो साइंस के पितामह जगदीश चंद्र बोस की, जिन्हें मिला यूरोपियन टीचर से आधा वेतन, फिर 3 साल बगैर वेतन दी छात्रों को शिक्षा। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 विक्रमपुर, जो कि वर्तमान में ढाका बांग्लादेश का हिस्सा है, में हुआ था। उनके पिताजी भगवान चंद्र बोस एक ब्रह्म समाजी थे, जो कि उस समय डिप्टी कलेक्टर थे और फरीदपुर वर्धमान समेत कई स्थानों पर उप मजिस्ट्रेट और सहायक कमिश्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। उन्होंने अपने पिता से ही सादगी लेकिन मूल्यों के साथ जीवन बिताना सीख लिया। जगदीश चंद्र बोस की प्राथमिक शिक्षा गांव के एक स्कूल में हुई, जहां अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि उनके पिताजी उन्हें अफसर नहीं बल्कि सच्चा देश सेवक बनाना चाहते थे। वो चाहते थे उनका बेटा अंग्रेजी सीखने से पहले अपनी मातृभाषा सीखे। वहां रहकर वो खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ बटाते थे और उन किसानों और मछुआरों के बच्चों के साथ रहकर उन्हें शारीरिक श्रम करने और सबको सम्मान समझने की भावना पैदा हुई। कुछ समय तक पैतृक गांव में ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद जगदीश चंद्र बोस साल 1869 कोलकाता आकर सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी आगे की शिक्षा कंप्लीट करने लगे। सेंट जेवियर कॉलेज से उनकी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी फिजिक्स ग्रुप में बीए की डिग्री कंप्लीट की और फिर आगे चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा कंप्लीट करने के लिए लंदन चले गए। लेकिन जल्दी अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण वो डॉक्टर बनने का विचार छोड़कर कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज से नेचुरल साइंस में फिर से बीए की डिग्री करने लगे और इसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी से साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तथा साल 1896 में यहीं से साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। अगर अभी तक की वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जगदीश चंद्र बोस लंदन यूनिवर्सिटी से साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद साल 1885 में भारत आकर कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगे। लेकिन यह उन्हें उस पद के लिए जितना वेतन निर्धारित था नहीं दिया जाता था, बल्कि उसका आधा ही दिया जाता था। उन्होंने इसका विरोध किया और उस पद के लिए यूरोपियन को दी जाने वाली वेतन की मांग करने लगे, लेकिन उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। तब उन्होंने बगैर वेतन ही इस पद पर रहने का निश्चय किया और लगातार 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। जब ये बात फैलने लगी तो जगदीश की प्रतिभा और वैज्ञानिक योगदान को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूरे 3 वर्षों का उस पद के लिए वेतन इकट्ठा दे दिया। इस बीच उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि भी पूरी की और अपनी प्रेसिडेंसी कॉलेज में कार्य के दौरान नस्ली भेदभाव और जातिगत भेदभाव के बीच अपनी रिसर्च जारी रखी। जगदीश चंद्र बोस को आज भी विज्ञान से जुड़े लोग रेडियो साइंस का पितामह व जनक मानते हैं। उन्होंने ही रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स नामक एक ऐसी बहुत ही छोटे से यंत्र का निर्माण किया, जिससे 5 से 25 किलोमीटर तक के साइज वाले माइक्रो रेडियो वेव्स पैदा की जा सकती है। साल 1894 में उन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हवा के सहारे दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है का प्रदर्शन किया था। ये उन्हीं की खोजों का परिणाम है कि आज सभी लोग रेडार, रेडियो, कम्युनिकेशन, रिमोट, इंटरनेट, टेलीविजन आदि का आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। उन्होंने वनस्पति के क्षेत्र में भी कई शोध किए और इस बात को प्रमाणित किया था कि पेड़ पौधे
निर्जीव नहीं होते, बल्कि वो भी इंसान और जानवरों की तरह सांस लेते हैं और उनमें भी जान होती है। उन्होंने माइक्रोवेव के वनस्पति के टिश्यू पर होने वाले असर, केमिकल इनहिबिटर्स का पौधों पर असर, पौधों पर बदलते हुए मौसम और तापमान का असर जैसे रिसर्च किए। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ नामक मशीन का भी आविष्कार किया। जगदीश चंद्र बोस ने साल 1915 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखने के लिए घर में एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाई। जगदीश चंद्र बोस ने 30 नवंबर 1917 को बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसके निर्देशक वो अपने जीवन की आखिरी सांस तक बने रहे। जगदीश चंद्र बोस ने अबाला से विवाह किया, जो कि एक फेमिनिस्ट, राइट एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट थी। जगदीश चंद्र बोस को उनके महान आविष्कारों और शोधों के लिए जीवन में कई पुरस्कार और उपाधियां प्राप्त हुई। जगदीश चंद्र बोस का निधन 78 इयर्स की एज में 3 नवंबर 1937 में बंगाल प्रेसिडेंसी के गिरिडीह में हुआ था। तो ये थी हमारी आज की कहानी रेडियो साइंस के पितामह जगदीश चंद्र बोस के बारे में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कैसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।